हमारे चैप्टर 3 की लास्ट क्लास है, जिसमें हम जानेंगे कि हम कैसे अपने फैमिली मेम्बर से कुछ चीज़ें सीखते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर हमारे डिसीजन मेकिंग में हमारी कैसे हेल्प करते हैं। साथ में हम ये भी जानेंगे कि हमारे फैमिली ट्रेडिशन एंड वैल्यूज़ की क्या इंपॉर्टेंस है। सो स्टार्ट करते हैं। ऑल मेम्बर्स ऑफ अ फैमिली हेल्प एंड लुक आफ्टर ईच अदर। सारे फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे की मदद करते हैं एंड एक दूसरे की देखभाल भी करते हैं। दे शेयर द वर्क एट होम एंड सपोर्ट ईच अदर। वो एक घरों पे जितना भी हाउस होल्ड चोर्स होता है वो सभी शेयर करते हैं एंड एक दूसरे का सपोर्ट भी करते हैं उस काम को करने के लिए। चिल्ड्रन हेल्प देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स बाय कम्प्लीटिंग चोर्स सच एज टाइडिंग अप द हाउस। घरों के जो काम होते हैं तो उनमें पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स की बच्चे मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल, घरों को क्लीन करने के लिए, टेबल सेट करने के लिए, कीपिंग थिंग्स इन प्लेस, सारे सामानों को उनके वापस अच्छे जगह जहाँ पे वो रखे जाते हैं उस प्लेस पे रखने के लिए, इवन बाय टेकिंग केयर ऑफ पेट। और जो घरों पे पेट हैं उनका देखभाल करके वो लोग बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। वी ऑल्सो लर्न अलॉट थिंग्स फ्रॉम अवर फैमिली मेम्बर्स। हम अपने फैमिली मेम्बर्स से भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। बाय स्पेंडिंग टाइम विद अवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स वी लर्न अबाउट अवर फैमिली ट्रेडिशन एंड गुड हैबिट्स। अपने माता पिता एंड दादा दादी के साथ रहने से हम अपने फैमिली के रिवाजों के बारे में और अच्छी आदतों के बारे में सीखते हैं। वी लर्न टू बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड शेयर अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हम एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना सीखते हैं, साथ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जितनी भी जिम्मेदारियाँ हैं वो भी शेयर करते हैं। जो बड़े लोग होते हैं, एल्डर्स होते हैं, वो बच्चों की देखभाल करते हैं, वाइल जब जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। बाय लर्निंग एंड शेयरिंग एंड केयरिंग फॉर ईच अदर फैमिली मेम्बर्स लर्न्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। एक दूसरे से सीख कर, एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स, अपने काम वगैरह शेयर करके, एक दूसरे की केयर करके फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे से बातें करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, जिससे उनके लाइफ स्किल्स डेवलप होती हैं। जैसे हमें किस तरह से बातें करना है, कैसे हमें इस सोसाइटी में रहना है, ये सारी चीज़ें हम अपने फैमिली मेम्बर से ही सीखते हैं। दे बिकम अ क्लोज नीट फैमिली एंड डेवलप अ फैमिली बॉन्ड्स दैट कीप देम कनेक्टेड थ्रू आउट देयर लाइफ। तो वो एक बॉन्डिंग हो जाती है हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ, जिससे वो बॉन्डिंग हमारी थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। हम अपने मम्मी पापा, दादा दादी, इनके ज़्यादा करीब आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे टॉपिक डिसीजन मेकिंग इन द फैमिली। डिसीजन मेकिंग आपके फैमिली में डिसीजन मेकिंग कौन करता है, चलिए डिसीजन मेकिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। फैमिली मेम्बर्स सपोर्ट ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड। जब भी ज़रूरत होती है तो फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। दे एडवाइज ईच अदर ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स। इंपॉर्टेंट मैटर्स में एक दूसरे को सलाह देते हैं। द एल्डर गाइड चिल्ड्रन विद देयर वास्ट एक्सपीरियंस सो दैट द यंगर फैमिली मेम्बर्स कैन लर्न फ्रॉम इट। जो बड़े लोग होते हैं वो अपने बच्चों को गाइड करते हैं। क्यों गाइड करते हैं? क्योंकि उनको लाइफ का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है और वो जिससे यंगर फैमिली मेम्बर जो होते हैं वो उनसे कुछ सीख सकते हैं। इन द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग द ओपिनियन ऑफ ऑल द फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन शुड बी कंसिडर्ड। डिसीजन मेकिंग के टाइम पे सभी की राय जो होती है, सलाह होती है, वो लेनी चाहिए। सभी फैमिली मेम्बर्स की ओपिनियन को ध्यान में रखना चाहिए, साथ में बच्चों के भी ओपिनियंस को ध्यान में रखना चाहिए, सभी के ओपिनियंस को कंसिडर करना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ डिस्कशन विद फैमिली मेम्बर्स बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन। डिसीजन तक पहुँचने से पहले सभी फैमिली मेम्बर से प्रॉपर डिस्कशन करना चाहिए। टू इट हेल्प अस टू नो मोर एंड मेक बेटर चॉइसेस। ये हमें उस चीज़ को बारे में जानने की काफ़ी अच्छे, जैसे कोई भी अगर हमारे आगे, जैसे छोटे बच्चे हैं, अगर वो फैमिली मेम्बर्स के डिसीजन में आगे आएंगे तो उन्हें क्या होगा, आगे जाके उनकी डिसीजन मेकिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी और वो सही सलाह राय ले पाएंगे इन टाइम्स ऑफ नीड या जब कोई भी उनके पास नहीं होगा। सो उनकी चॉइसेस अच्छी होंगी। इस तरह से डिसीजन मेकिंग फैमिली में सभी पर्सन का बराबर हाथ होता है। सभी को अपनी अपने ओपिनियंस एक दूसरे को देना चाहिए और ये एल्डर्स का भी काम होता है कि वो अपने डिसीजन मेकिंग में अपने छोटे बच्चों छोटों को भी इंक्लूड जरूर करें। ओके, चलिए नेक्स्ट है फैमिली ट्रेडिशन एंड वैल्यू। फैमिली के जो रिवाज होते हैं, फैमिली उसकी जो रीति होती हैं, इनको ये क्या होती हैं, रिचुअल्स, वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस इन अ फैमिली विच आर पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन।
जनरेशन टू अनदर वी कम फैमिली ट्रेडिशंस। जो जितने भी रीति रिवाज, जितने भी हमारे वैल्यूज़ होती हैं, ये सभी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफ़र होती हैं और ये बन जाते हैं फैमिली ट्रेडिशन, फैमिली के हमारे रिवाज। मतलब हम कहते हैं कि हमारी फैमिली में बहुत सालों से चलता आ रहा है और ये हमारे फैमिली का ट्रेडिशन हो गया है ये चीज़ करनी। ओके, मोस्ट फैमिलीज प्रिजर्व देयर बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस एंड पास देम ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। बहुत सारी फैमिलीज ऐसे होते हैं जो अपने मान्यताओं को, अपने सुझावों को, जितने भी जो लोग जो पहले से करते आ रहे हैं, उसे अपने नेक्स्ट जनरेशन में जैसी हैं वैसे ही ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे हमारे नेक्स्ट जनरेशन भी उसे फॉलो करती है। वी लर्न अलॉट अबाउट अवर फैमिली ट्रेडिशन एंड वैल्यूज़ फ्रॉम अवर फैमिली मेम्बर्स। हम अपने फैमिली मेम्बर से अपने फैमिली ट्रेडिशन एंड वैल्यूज़ के बारे में काफ़ी कुछ सीखते हैं। वी मस्ट रिस्पेक्ट फैमिली ट्रेडिशन एंड वैल्यूज़। हमें अपने फैमिली ट्रेडिशन एंड वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बोथ द इमीडिएट एंड एक्सटेंडेड फैमिली आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ्स। इमीडिएट फैमिली मतलब हमारे पेरेंट्स एंड हमारे सिबलिंग्स, एज वेल एज हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंट्स एंड कजिन्स, वो भी हमारे लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है। वी मस्ट मीट ईच अदर रेगुलरली एंड मेंटेन गुड रिलेशनशिप्स। हमें सबसे रेगुलरली मिलते रहना चाहिए और उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए। आई होप ये तीनों टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ।